नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में महाराज जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे अद्भुत प्रवचन, कुछ ऐसी ज्ञान की बातों को हमने सम्मिलित किया हुआ है, जिसको सुनने और जिसके अनुसरण करने से निश्चित तौर पर आपके भाग्य में तो वृद्धि होगी ही, साथ साथ जीवन की कुछ मूलभूत ज्ञान की जो बातें हैं वे आपके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध भी होंगी। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो महाराज जी ने बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी ज्ञान की बातें, बहुत से ऐसे मार्गदर्शन मनुष्य के हित के लिए बताए हुए हैं, जिनका अनुसरण करने से मनुष्य एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, साथ साथ में दूसरों को भी अपने विचारों और अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस विशेषांक की ओर। महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपनी गलतियों से, छोटी छोटी जो गलतियां जीवन में हो जाती हैं, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम केवल बड़ी गलतियों पर ही नजर डालते हैं, लेकिन जीवन में क्षण क्षण कुछ ना कुछ तो घटित होता ही है, लेकिन उन घटनाओं के साथ में कुछ छोटी छोटी गलतियां भी जो होती हैं, जो हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि व्यक्ति को पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर लगती है, और ठोकर खाकर जो मनुष्य सीख जाता है, जीवन में उन गलतियों का सुधार कर लेता है, केवल वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते, ऐसे मनुष्य जीवन में सदैव पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि जीवन में स्थिति परिस्थिति तो हमेशा नकारात्मक और सकारात्मक आती ही है, लेकिन व्यक्ति को सदैव अपने विवेक के अंतर्गत रहना चाहिए। यानी कि जीवन में सकारात्मक विचार से जैसे ही नकारात्मक विचार में हम लोग परिवर्तित होते हैं, हमारा मस्तिष्क विचारों को जब नकारात्मक स्वीकार करने लगता है, वैसे ही व्यक्ति की हार की शुरुआत हो जाती है। यानी कि जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, हमें चेहरे पर सदैव मुस्कान और एक आत्मविश्वास मस्तिष्क में सदैव बना रहना चाहिए कि जीवन में सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। ये विचार जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में चल रहा होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में हार कर भी नहीं हारता। लेकिन जब व्यक्ति शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही नकारात्मक विचारों में घिर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बचाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल कार्य है, लगभग असंभव जैसा है। आगे महाराज जी क्या कहते हैं, देखिए धन को लेकर भी महाराज जी ने कई बातें बताई हैं। महाराज जी कहते हैं धन भी एक ऐसी चीज है जो कि केवल आय और व्यय को तय करती है। जब इंसान के पास धन आ जाता है तो वह खुद को ही भूल जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति सदैव मस्तिष्क में धन के बारे में ही सोचते रहता है, वैसे तो देखिए धन का महत्व है, आज के आधुनिक युग में भी है, और बहुत सी चीजें ऐसी है जो धन के बिना नहीं हो सकती, लेकिन सदैव धन को मस्तिष्क में लेकर चलना भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। महाराज जी यही कहते हैं कि धन जो है वो केवल आय और व्यय के साधनों के लिए होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। धन से उसका कद कभी बड़ा नहीं होता। व्यक्ति कितना सकारात्मक है, कैसे संस्कार उसे प्राप्त हुए हैं और उन संस्कारों पर कितना वह खरा उतरता है, यह व्यक्ति का असली चरित्र नियत करता है। आगे बात कर लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो लोग आपस में बैर की भावना रखते हैं या प्रतिस्पर्धा रखते हैं, देखिए प्रतिस्पर्धा रखना गलत बात नहीं है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के चलते भी मन में वैर का भाव रख लेते हैं कि अमुक व्यक्ति या अमुक स्थिति से मुझे बड़ी चिढ़ है, ऐसा जो विचार मन में रखते हैं, ऐसा व्यक्ति शुरुआत से ही हार जाता है। ऐसे व्यक्ति को हराना सबसे आसान कार्य होता है, क्योंकि उसका अहंकार ही एक दिन उसके पतन का कारण बनता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि दूसरों को नीची नजर से वही व्यक्ति देखते हैं जिसने अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं किया हो, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, सरल होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता के मायने वहीं से तय हो जाते हैं जब वह झुककर जीना सीख लेता है। इसीलिए आज के युग में ये बातें बहुत बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आप देखिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक ऐसा भाव रहता है कि मैं जीवन में सबसे बड़ा बन जाऊं। जहां पर मैं की प्रवृत्ति का इस्तेमाल हो गया, वहीं पर समझ लीजिए कि आपने अहंकार का एक बीज बो दिया, जो कि बड़ा होकर भी अहंकार का वृक्ष बनेगा, ना कि सरलता की तरह बहने वाला जल। बात कर लेते हैं आगे। महाराज जी कहते हैं एक बात का ध्यान आपको सदैव रखना होता है, वह यह है कि जीवन में
जल्दी जागना सदैव फायदेमंद होता है, फिर चाहे वे अपनी नींद से हो, अहंकार से हो या सोए हुए जमीर से हो। इसीलिए जीवन में सदैव जागृत अवस्था में रहना चाहिए। जो व्यक्ति जागृत अवस्था में रहते हैं ऐसे व्यक्ति को कभी छला नहीं जा सकता, ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा होने की प्रवृत्ति का बहुत कम मायने होते हैं और ऐसा व्यक्ति सदैव दूसरों की सहायतार्थ हेतु सबसे पहले सामने आते हैं क्योंकि उसका मस्तिष्क जागृत है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि नींद किसी भी प्रकार के लिए अच्छी नहीं है, नींद में उतना ही रहना चाहिए जितना शरीर के लिए पर्याप्त हो। और नींद का आशय यहाँ पर कुछ और भी है, नींद का आशय है कि ज्ञान के अंधकार से, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान से बाहर है, ऐसे अंधकार में सोया हुआ व्यक्ति जितना जल्दी जागृत हो जाए उतना अच्छा है। उसी प्रकार से जो स्वाभाविक तौर पर जो नींद है वह केवल शरीर के लिए पर्याप्त होती है, उससे ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं है, दोनों शरीर पर और विचार पर असर डालते हैं। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा महाराज जी के आपको बता रहा हूँ, महाराज जी कहते हैं प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य होते हैं पर दोनों में इतनी ताकत है जो कि नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इसीलिए मैं आपको प्रत्येक विशेषांक में कहता हूँ कि प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना का आशय यहाँ पर यह है कि हृदय से ईश्वर को याद करना, महज प्रार्थना है, ज़्यादा जटिल कार्य नहीं है। जैसे बहुत से लोगों ने प्रार्थना का आशय ही कुछ और निकाल लिया है। प्रार्थना का आशय बहुत सरल होता है कि हृदय से, अंतर मन से ईश्वर को पुकारना, ईश्वर के नाम को लेना, अपनी बात ईश्वर तक पहुँचाना ही प्रार्थना है। रोज़ कई बार जीवन में प्रार्थना करें, आपको एक मिनट भी अगर पूरे 24 घंटे में से मिल रहा है तो उस एक मिनट में भी प्रार्थना करिए। जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे उतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आप अंतर मन से उस परमेश्वर तक पहुंचा रहे हैं कि हे परमेश्वर मेरे जीवन में यह अमूक चमत्कार करिए ताकि मैं अपने जीवन में सक्षम बन सकूँ और दूसरों की सहायता कर सकूँ। यही सच्चे मायने में एक बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रार्थना होती है। ये इस क्रमांक की सबसे महत्वपूर्ण बात है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, उम्मीद केवल स्वयं से करिए। हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आज जीवन में हमने सभी से उम्मीदें लगाई हुई हैं कि मेरे अमुक रिश्तेदार एक बहुत बड़े पद पर विराजमान है, वह हमारी सहायता करेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि केवल और केवल स्वयं से उम्मीद लगाइए। कोई खड़ा नहीं होता, स्वयं ही अपने हिस्से का परिश्रम करना पड़ता है, तभी स्वयं के हिस्से की सफलता मिलती है। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराए लोग कहाँ साथ देंगे, कोई साथ नहीं देता। देखिए जीवन में एक बात याद रखिए कि हर व्यक्ति का व्यक्तिगत परिश्रम ही हर व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की सफलता को तय करता है। तो इसीलिए केवल और केवल स्वयं पर भरोसा कीजिए, केवल और केवल स्वयं को ऐसा मान लीजिए कि जीवन में जो करेंगे केवल आप करेंगे, क्योंकि किसी के सहारे ये पूरा जीवन नहीं जिया जा सकता, अपने लिए स्वयं ही करना पड़ता है। ये इस विशेषांक का सबसे महत्वपूर्ण जो महाराज जी की शिक्षा है वह आपको मैंने बताया। तो यह थी आज के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं, कुछ ऐसी ज्ञान की बातें जिनका अनुसरण यदि आप करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि आपका भाग्य भी आप अपने परिश्रम से और अच्छे विचारों से बनाते हैं। जितने अच्छे विचार आपके मस्तिष्क में आएंगे, ये ठीक उसी तरह है जितना पौष्टिक आहार शरीर के लिए, आपके बाहरी भौतिक शरीर के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार से पौष्टिक विचार आपकी बुद्धि, आपकी सोचने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपके विचारों को नियत करती है। तो इसीलिए स्वस्थ रहिए, स्वस्थ विचारों में घिरे रहिए, स्वयं स्वस्थ प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाते रहिए, ये जीवन खुद ही कल्याणकारी हो जाएगा, किसी अन्यत्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक, आशा करते हैं इस क्रमांक से निश्चित तौर पर आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति दें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।